Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Summer Garden में अवैध पटाखों के विस्फोट के बाद मंगलवार को कंकड़खेड़ा बाईपास स्थित शिव शक्ति पेट्रोल पंप के मैनेजर सुनील व संदीप भारद्वाज से बदमाशों ने तमंचे दिखाकर डाबका गांव के पास 7 लाख रुपए लूट लिए। दोनों मैनेजर बाइक से पंजाब नेशनल बैंक की यह धनराशि जमा कराने के लिए ले जा रहे थे। 3 बाइकों पर सवार इन बदमाशों की संख्या 7 बताई गई है। सूचना मिलते ही तुरंत ही मेरठ के नवनियुक्त पुलिस कप्तान रोहित सजवान भी मौके पर पहुंच गए। बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस कप्तान का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मौके पर मौजूद मैनेजर ने यह जानकारी दी। बैंक जा रहे थे, सामने से 3 लड़के आए, बस उन्होंने पहले टक्कर मारी हमारे गाड़ी में, तो फिर हमने सोचा वैसे भी वो नॉर्मली हो रहा, तो फिर वो हम एकदम पैसे की तरफ भागे। 2 लड़के फिर इधर सामने से भी आए, फिर वो 2 लड़के जो है, फिर वो 5-6 आदमी थे उसमें। हाँ, टोटल जो थे 3, 2, 5 और 2 7 आदमी थे। बाइक पे, तो बाइक पे थे 3 बाइक। फिर बस फिर क्या, फिर वो हमें झगड़ने लगे, तमंचे निकाल लिए दोनों ने। हवाई फायर द्वारा तो नहीं करा, बस तमंचे दिखा रहे थे हमें बस। वो कितना कैसे गया, कितना गया? 7 लाख। यहाँ SP सिटी विनीत भटनागर को यह बताया गया। सफेद रंग का किस तरह थैला है, कपड़े का थैला, कितना कैसा, जिसमें वो तनी सी लगी हुई है और कुछ लिखा हुआ है ना बैग में रखा था सर, बाइक के साइड में चला समझ गया मैं, उसको जो साइड बैग होता है उसमें डाल दिया पूरा, है ना, चोपर से चैन लगा रखी। बाइक के साइड में कपड़े का बैग था या वैक्सीन का? जो मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान रोहित सजवान ने यह जानकारी दी। थाना कंकड़खेड़ा के अंतर्गत NH 58 पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और इनके मालिक के द्वारा सूचना दी गई है कि इनके 2 मैनेजर्स मोटरसाइकिल से लगभग 6-7 लाख रुपए लेकर जा रहे थे पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने के लिए, और रास्ते में कुछ लोगों ने इनको रोक लिया और इसमें इनसे मारपीट करके जो पैसे का बैग था वो छीन लिया। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कुछ CCTV फुटेज जो है आसपास में उनको खंगाला जा रहा है और इसमें जल्दी घटना का निवारण कर लिया जाएगा और कुछ साक्ष्य में प्राप्त हो रहे हैं और जल्दी घटना का निवारण कर लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।